लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। संस्कृति सुवास। हनुमान जी को बंदर कहने वालों की बंदर बुद्धि। कुछ कॉन्वेंट स्कूलों में ब्लैक बोर्ड पर एक तरफ गधा एवं दूसरी तरफ एक बंदर का चित्र बनाकर बच्चों से पूछा जाता है, यह पूंछ वाला कौन है? बच्चे, गधा। यह दूसरा पूंछ वाला कौन है? बंदर। दोनों पशु है ना? बच्चे, हाँ। मास्टर, तुम्हारे हिंदुस्तानी लोग पूंछ वाले पशु बंदर को भगवान के रूप में पूछते हैं, कितने बेवकूफ हैं। ऐसा करके वे बच्चों की आस्था डिगाते हैं एवं अपने ईसाई धर्म की महिमा सुनाते हैं। ये कॉन्वेंट स्कूल शिक्षा के केंद्र है या धर्मांतरण के अड्डे? हमारे मासूम बच्चों के दिलों में हिंदू धर्म एवं संस्कृति के प्रति नफरत पैदा करने का यह षड्यंत्र है। अरे, मुट्ठी भर लोगों को लेकर शिवाजी ने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था। ऐसे शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास हनुमान जी के भक्त थे। वे हनुमान जी से बातचीत करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी हनुमान जी के दर्शन हुए। रामकृष्ण परमहंस ने भी हनुमान जी की उपासना की थी, तो उनमें भी श्री हनुमान जी के गुण आने लग गए। वे कहते थे, मैं उपासना करते करते पेड़ पर चढ़ जाता, कमर पर कपड़ा बांध कर पूंछ की नाई लटका देता और कोई फल खाने को मिलता तो बिना छिलके उतारे खा जाता था। मेरे मेरुदंड का अंतिम भाग 1 इंच जितना बाहर भी निकल आया था। पूज्य बापूजी कहते हैं, मैंने एक साधक को मंत्र दिया तो उसे भी स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने उससे कहा, बेटा, कलयुग में ये उपासनाएं जल्दी नहीं फलती हैं, तुम इसे छोड़ दो। ऐसे हनुमान जी को हम अस्वीकार करें? ऐसी दुर्मति हमारे पास नहीं है। हनुमान जी जागृत देव हैं, चिरंजीवी हैं, संयम शिरोमणि हैं, भक्तों के रक्षक हैं। ऐसे हनुमान जी के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आप सभी को श्री हनुमान जयंती की खूब खूब बधाई।